अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज रमजान स्पेशल में हमारे किचन में बन रहे हैं मिनी चिकन पाए। तो मिनी चिकन पाए के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा लेंगे 3 कप, बटर लेंगे 100 ग्राम, दूध लेंगे हस्बे ज़रूरत, नमक लेंगे 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें डो तैयार करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे हम गूंद लेंगे, मैदे में नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम बटर डाल देंगे। बटर सॉफ्ट होना चाहिए। बटर डाल के हम मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों हाथों से तोड़ के। तो ये देखें, बटर अच्छे से मैदे में मिक्स हो चुका है, ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे गूंद लेंगे। ये देखें, डो हमारी इस शक्ल में होनी चाहिए। आप दूध इतना ऐड करें कि इस शक्ल में डो आ जाए, हाथ में चिपके ना। तो अब इसे हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे 20 मिनट के लिए और हम स्टफिंग भी तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बोनलेस चिकन लिया है मैंने बॉयल किया हुआ, श्रेडेड किया हुआ 1 कप, 1 अदद गाजर चाहिए हमें कटी हुई, लंबाई में काट लें, गोल काट लें जैसे आपकी मर्जी, 1 अदद शिमला मिर्च चाहिए हमें कटी हुई, ऑरिगेनो लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो 2 जवे लहसुन के क्रश करके डाल दें, मैदा लेंगे 1 टेबलस्पून भर के, दूध लेंगे 1/2 कप और 1 छोटी साइज की कटी हुई प्याज लेंगे, बिल्कुल मैंने इसे छोटा छोटा काट लिया, ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें स्टफिंग तैयार करने के लिए। पैन लेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल डालने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे कटी हुई, प्याज को हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसमें हम कटी हुई गाजर डाल देंगे, गाजर को फ्राई कर लेंगे, गाजर को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च, 3 चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा ही नहीं फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा कच्चा ही रखेंगे। ये हो गया थोड़ा सा फ्राई, अब इसमें हम डाल देंगे चिकन, बॉयल चिकन शेड किया हुआ, मिक्स करेंगे, दूध में मैदा डालेंगे, नमक, काली मिर्च का पाउडर, लहसुन पाउडर, ऑरिगेनो, अब इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, चम्मच चला के इसे पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो ये देखिए, स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया, अब इसे हम बेल लेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको बेल लेंगे। तो ये हमने बेल लिया, अब इसे हम कटर से काट लेंगे। इस तरह का हमने कटर लिया, इसे हम काट लेंगे। तो ये हमने काट लिया और जो एक्स्ट्रा इसे हम साइड पे कर देंगे, इसे फिर से हम पेड़ा बना के बेल के बना लेंगे। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है और एक अंडा ले लेंगे, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फेंट लिया और अब एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे। बेकिंग ट्रे को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। तो मैं हल्का सा कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, अगर आप चाहें तो आप मत करें, क्योंकि इसमें बटर है तो इसलिए आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं वैसे ही कर रही हूँ। हो गया, अब एक एक उठा के रखते जाएंगे। तो अब हम स्टफिंग करेंगे। अब ये ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर रखते जाएंगे।
और इसे साइडों से बंद कर देंगे फोक से इस तरह। इसी तरह सारे कर लेंगे। अंडा लगाएंगे। अब इस तरह की स्टिक ले लेंगे और इससे निशान डाल देंगे। तो अब इसे हम बेक करेंगे। ओवन को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया हुआ था 200 डिग्री पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है, अब इसे हम बेक कर लेंगे। अब इसे रख देंगे। दो सौ डिग्री पर रख के 30 मिनट के लिए। बेक हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे, प्लेट में रखते जाएंगे। तो तैयार है चिकन पाए। आप इसे इफ्तारी में बनाएं, बहुत ही मजे के बने हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसे लगे। तो अगर आपको ये मिनी चिकन पाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके आप किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके आप लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।